जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके चंडीगढ़ ओमेन और यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश ओमेन्स के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट इंडियन ओमेन्स डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी का मैच, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारे टीम की परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए? 5 कॉन्टेस्ट। और कितने विन किए? 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों। ये हमारी टीम थी, ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स, ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना। इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए। इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम थी, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों? ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों? BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों। इमामुल हक को नहीं रखा था हमने, टॉप के सारे बॉलर्स को। और यहाँ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों, कितने आसानी से हम जीते थे मैच। ये देखिए हैरिस रूफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में। अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रहे, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रूफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है इस पर लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको। तो दोस्तों अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें चलना है मैच पर, उसके बाद यहाँ से चलना है क्रिएट टीम पर दोस्तों। बात करेगा सबसे पहले चंडीगढ़ वुमेन की, यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट है? विकेट कीपिंग सेक्शन से एस यादव खेलेंगे, इंपॉर्टेंट पिक है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में यहाँ से शिखा पांडे, एम पांडे, प्रभाकर, इस ठाकुर।
चारों के चारों आपके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन बन सकते हैं। आप चारों में से किसी को ले सकते हो। मैं यहाँ से यश पांडे को शायद टीम में ट्राई कर लूँ, बाकी यहाँ से मैं किसी को टीम में रखने नहीं वाला हूँ। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, एकता बिष्ट, यह बिष्ट, उसके बाद यहाँ से पी गुलेरिया, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको टीम में ज़रूर रखना है दोस्तों। यहाँ से बात करें अगर मैं बॉलिंग के गौतम खेलेंगे, शिवी खेलेंगे, पीत सैनी खेलेंगे, तीनों के तीनों आपको खेलते दिखेंगे। प्लेयर तीनों ही बहुत बढ़िया, आपको के गौतम को ट्राई करना है, मैं इनको भी अपनी टीम में रखने वाला हूँ दोस्तों। अगर उसके बाद में अब टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, कुछ ये मेरे चार प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनको मैंने टीम में रख लिया है दोस्तों। बाकी इनमें से अगर मुझे किसी को चेंज करना पड़े वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। यहाँ से अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश वुमेन्स की टीम से कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपिंग में एस गिरी दोस्तों, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और रिलायबल पिक है। आप चाहो तो टीम में ट्राई कर सकते हो, मैं टीम को टीम में रखने वाला हूँ दोस्तों। बात करें अगर बैटिंग की, बैटिंग से यहाँ से देवी, मलिक, गोयल और तीनों खेलते हुए दिखेंगे, आप तीनों में से किसी को रख सकते हो। ऑलराउंडर्स में से यहाँ से एस सिंह, एन चौधरी, एफ रेखा और एस सिंह, ये चार प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। बाकी यहाँ से बात करें अगर हम बॉलिंग में एस यादव, उसके बाद यहाँ से ए देवी, बाकी ए तिवारी, बाकी यहाँ से कोई भी खेलेगा नहीं, यहाँ से मैं एस यादव और देवी को ट्राई करने वाला हूँ। एस सिंह और एन चौधरी ये दोनों अपने टीम में आ सकते हैं, पर मैं यहाँ से एम मलिक को टीम में ज़रूर रखने वाला हूँ और यहाँ से एस देवी। तो ये मेरे टीम के 10 प्लेयर्स आ चुके हैं, आप इन 10 प्लेयर्स का प्रीव्यू देख लीजिए। 10 प्लेयर्स मेरे टीम में पक्का होंगे किसी भी कंडीशन में, ये प्लेयर्स को मैं टीम में ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, इनको ड्रॉप करो, प्लेयर बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहाँ से अगर चलते हैं बोथ पर, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, 11वां प्लेयर का ऑप्शन ढूंढना है ना। यहाँ से रेखा आपके लिए बन सकते हैं अच्छे ऑप्शन, एन चौधरी और यहाँ से एस सिंह। बाकी यहाँ से आप चाहो तो किसी को भी ले सकते हो, मैं यहाँ से अभी के लिए शायद ए पी प्रभाकर को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, बाकी आप चाहो तो ले सकते हो। आपको कुछ इस तरह से मेरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, आप एक बार इस मेरे टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। इसमें अगर मुझे कोई चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फाइनल अपडेट, फाइनल टीम जो भी मैं प्रोवाइड करूंगा वो तो मैं आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही बताऊंगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तभी सी और वी सी की बात कर लेते हैं, कैप्टन मेरे कौन होंगे, मेरे कैप्टन एस सिंह होंगे, वाइस कैप्टन दोस्तों एस यादव को बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, आप एक बार इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। इसमें अगर मुझे कोई चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर तो अपडेट कर ही दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।